नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक एक वालों के बारे में। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की एक तारीख को, 10 को, 19 को या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक एक माना जाएगा। और ऐसे मूलांक वालों की कुछ खास बातें होती हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए अच्छा करियर कौन सा रहेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी ईयर कौन से हैं, आपके जीवन के साथ इस पर आज हम बात करेंगे। कि आपके लिए कंपेटेबल नंबर्स और क्या हो सकते हैं जिनके साथ आप फ्रेंडशिप करें, बिजनेस पार्टनरशिप करें या फिर मैरिड लाइफ में शामिल हो जाएं, तो आपके लिए लकी साबित होगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नंबर वन वाले लोगों का खास व्यक्तित्व कैसा है। नंबर वन, न्यूमरोलॉजी में सूर्य के द्वारा दमन होता है। अब जैसा सूर्य वैसे होते हैं नंबर एक वाले लोग। यानी कि सूर्य अगर आप देखेंगे कभी ध्यान से, तो सूर्य ने हमेशा दुनिया को दिया है, कभी किसी से लिया नहीं। इसी तरह से नंबर वन जिनका मूलांक है, ये लोग गिवर होते हैं। इन्हें देना बहुत अच्छे से आता है, हेल्प करना लोगों की बहुत अच्छे से आता है और ये हेल्प करते हैं। अगर उनका कोई दोस्त हो जाए, कोई उनका फ्रेंड है और उस दोस्त के सामने कोई समस्या आ जाए, और फिर तो हजारों लोग उसके सामने खड़े हों, नंबर वन वाले अकेले अपने दोस्त का हाथ पकड़कर खड़े रहेंगे और हमेशा उसका साथ देंगे। जरूरत में इनको याद किया जाता है और नंबर वन वाले लोगों पर आप देखेंगे कि लोगों का ट्रस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, आप लोग भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ आप अग्रेसिव होते हैं, आप अथॉरिटेटिव होते हैं, आपके अंदर एक तानाशाही प्रवृत्ति भी होती है जो कि बहुत हद तक तो ठीक है जब तक आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन कई बार आप लव रिलेशन और आपके फैमिली रिलेशन इसके द्वारा खराब हो जाते हैं। आप बहुत बार अपने ईगो में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क नहीं समझ पाते हैं। आपकी वाणी कई बार कड़वी हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इससे हर्ट हो सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप इतने फ्रीडम लवर हैं कि आपको कोई अपने नीचे दबाकर काम तो करवा ही नहीं सकता। आप कभी भी अपने जॉब में पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जब तक नंबर वन की पोजीशन पर आप नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप चैन से बैठने वाले नहीं हैं। फिर आप चाहें अपने जॉब में या फिर आपका कोई स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, हमेशा आपकी ये फितरत रहती है कि इनिशिएटिव करना है, सबसे पहले आगे चढ़ना है, रिस्क लेना है, क्योंकि आप रिस्क टेकर है और ये सब करके आपकी एक पहचान बहुत अलग बनती है। आप अपने साथ एक ऑरा लेकर चलते हैं। आप किसी रूम में चले जाएंगे तो लोग आप ही को देखने लग जाते हैं। जब बातें करते हैं तो लोगों की निगाहें आपसे हटती नहीं है। आपका ये ऑरा आपके चेहरे पर दिखाई देता है, आपकी बॉडी में दिखाई देता है। आप अक्सर देखे गए हैं कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है, शरीर मजबूत होता है, आपके चेहरे पर एक सूर्य का तेज हमेशा चमकता रहता है। जहां तक बात आती है लव रिलेशन की, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा लकी साबित नहीं होते हैं। लेकिन कभी भी आप प्यार में पड़े भाग्यवश, तो आप अपने प्यार को दुनिया के सामने जाहिर करने से फिर हिचकिचाते नहीं है। आप अपने प्यार के लिए लोगों से लड़ने में भी हिचकिचाते नहीं है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि प्यार में आपको धोखा मिल जाता है और आपका प्यार, आपका लवर आपको छोड़कर चला जाता है। कई बार आपकी वाणी की वजह से, तो कई बार आप इतने ज्यादा काम में व्यस्त हो जाते हैं, आप इतने वर्कहोलिक हो गए कि अपने लव रिलेशन को, अपने पार्टनर को या फिर अपने फ्रेंड को, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाए। और इस वजह से आपको लग सकता है कि नंबर वन वालों में तो काफी बॉस नेचर, एग्रेसिव नेचर, गुस्सेल नेचर और अथॉरिटेटिव नेचर है और ये नंबर तो ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है? तो यस माय डियर फ्रेंड, न्यूरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर किसी को माना गया है उनमें से एक नंबर नंबर वन भी है। क्यों? अरे आपके सामने मुकेश अंबानी का उदाहरण है, वो नंबर वन के हैं। आपके सामने रतन टाटा का उदाहरण है, वो भी नंबर वन के हैं। धीरू भाई अंबानी, वो भी नंबर वन के हैं। और आज तक केवल एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुई इंडिया की, यस इंदिरा गांधी, वो भी नंबर वन की हैं। तो इतने पावरफुल पर्सनालिटी के पास अगर ऐसे करेक्टर नहीं होंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग लीडरशिप क्वालिटीज तब यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो आपके लिए मैं गोल्डन टिप देने जा रही हूँ, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं, आप सभी तक अगर शिखर पर नहीं पहुँचे हैं,
उससे शिखर तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वो लाइफ सेविंग टिप आपके लिए होगी कि जैसा सूर्य है जैसा सन है वैसी अगर कोई आदत आप अपनी बना लें, जिसमें सबसे बड़ी आदत है पंक्चुअलिटी की। सूर्य हमेशा अपने टाइम से ईस्ट की डायरेक्शन से उगता है और वेस्ट में जाकर सेट हो जाता है। अगर ऐसी पंक्चुअलिटी आप अपनी लाइफ के हर काम में ले आए, ऐसा ही नहीं डिसिप्लिन लें, तो माय डियर फ्रेंड नंबर वन को असल जिंदगी में नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या 1, 10, 19, 28 इन तारीखों को तो लाखों लोगों का जन्म हुआ है, तो क्या ये सब के सब एक जैसे हैं? तो जी नहीं, आप इन चारों डेट को जन्म लेने वाले व्यक्तियों में जितनी भी क्वालिटीज मैंने अभी तक आपको बताई हैं मोर और लेस वो पाएंगे, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा लकी कौन है? तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिनका जन्म 19 तारीख को हो वो लोग इस पूरे कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा लकी माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर लकी माने जाते हैं जिनका जन्म 28 को हुआ हो, उसके बाद 10 तारीख वाले, और उसके बाद नंबर 1 को जो पैदा होंगे वो। लेकिन अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सक्सेसफुल लीडर कहा, अंबानी कहा, इंदिरा गांधी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो डियर माय फ्रेंड आप किसी गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपकी डायरेक्शन कुछ और हैं, आपकी ये क्वालिटीज आपको कहीं और लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन आप कहीं और फंसे हुए हैं। तो आप न्यूमेरोलॉजी रिकॉर्डिंग अपना करियर रिड्यूस करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता नंबर वन बनने से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।